नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सना नजीर। आज हम बनाना सीखेंगे बर्गर पैटी विथ फ्राइज एंड कोल्सलो। इसके लिए जो अच्छा हमें दरकार है वो ये हैं: बोनलेस चिकन फुल 1 किलो, आलू 1 किलो, कुकिंग ऑयल 1/2 kg, बर्गर बंस 6 से 8 अदद, बंद गोभी 1 स्मॉल पीस, मैदा 1/2 किलो, अरारोट 1/2 किलो, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी काले मिर्च 1 टीस्पून, सोया सॉस 4 टेबल स्पून, चिली सॉस 4 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून, सैलेड लीव्स 6 से 8 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, केचप 1 कप, मायोनीज 2 कप। तरकीब: सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धो लें, इसके बाद इसके पैटी कट कर लें जो कि चौड़ाई में हथेली के बराबर हो और मोटाई इसकी 1/2 इंच के बराबर हो। इसके बाद एक बाउल में लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी काले मिर्च और 1 टीस्पून नमक का शामिल करें और एक मिक्सचर तैयार कर लें। अब एक बाउल लें और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी काले मिर्च और 1 टीस्पून नमक का शामिल करके एक बैटर तैयार कर लें। अब इस बैटर में कटे हुए पेटीज शामिल करें और मिक्स करके कम से कम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने रख दें। इतनी देर में आप आलुओं की फ्राइज कटिंग कर लें और फ्राइज के लिए एक खुश्क मिक्सचर तैयार कर लें। खुश्क मिक्सचर तैयार करने के लिए एक बाउल लें और उसमें 1 कप मैदा, 1 कप अरारोट, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी काले मिर्च और 1 टीस्पून नमक का शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करें और फ्राइज के ऊपर इस खुश्क मसाले को कोट करके फ्राइज फ्राई कर लें। अब मैरिनेट किए हुए पेटी को भी इसी खुश्क मिक्सचर में एक एक करके कोट करें, फिर इसे पानी में डिप करें और एक बार फिर खुश्क मिक्सचर में दोबारा कोट करें और इस पर हल्के हाथ से निशान बनाएं और 1 by 1 फ्राई करते जाएं। अब सारे बन 1 by 1 सेक लें। साथ ही 1 कप मायनीज में कटी हुई बंद गोभी, 1 चुटकी पिसी काली मिर्च शामिल करें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके कोल्सलो तैयार कर लें। बन को सेकने के बाद बन के नीचे वाले हिस्से पर मायनीज की एक लेयर लगाएं, इसके ऊपर फ्राई किया हुआ चिकन पैटी रखें, फिर इसके ऊपर सलाद का एक पत्ता रखें, फिर बन के ऊपर वाले हिस्से पर केचप लगाएं और इसको सलाद पत्ते के ऊपर रख दें और बर्गर तैयार कर लें। एक एक करके तमाम बर्गर्स को इसी तरह तैयार कर लें और फिर प्लेट के अंदर एक बर्गर, थोड़े से फ्राइज और कोल्सलो रखकर सर्व करें और एंजॉय करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।